सांभर कस्बे के पांचबत्ती चौराहा पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष दीनदयाल कुमावत के नेतृत्व में आम नागरिकों ने दूदू विधायक बाबूलाल नागर का पुतला फूंककर मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि कल दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी भरे स्वर में कहा था कि नेशनल हाईवे तो दूर की बात है, दूदू की सीमा में घुसकर भी दिखा दें। दीनदयाल कुमावत ने कहा कि दूदू विधायक को इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सांभर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति की जनता ने इस तरह के बयान की घोर निंदा करते हैं, यह संविधान के खिलाफ है। और उन्होंने बताया कि हम सभी आगामी 18 जून को मोखमपुरा पर महापड़ाव में पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। बाबूलाल नागर की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम सब ने अपनी मां का दूध पिया है और सांभर का नमक खाया है। हम सभी सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक संघर्ष करते हुए प्रदर्शन करेंगे। उपस्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, कानून व्यवस्था, जी न्यूज, हर खबर, A1TV, ABP, APV, आवाज इंडिया, सत्याप के सामने, MM न्यूज मौजूद रहे। देख लो, आपने जयपुर जाम करने की बात करी, भारत बंद करने की बात करी, राजस्थान बंद करने की बात करी, तो जयपुर वालों ने यह कह दिया था क्या कि भैया बांकरोटा क्रॉस करके बताना, या जयपुर वालों ने यह कह दिया जयपुर में घुस के बताना? ये सब एक राजनीति है, हमारी बात आंदोलन की है, आंदोलन के माध्यम से हम कहेंगे। और रास्ता रोकना, हाईवे जाम करना, ये पुलिस का काम है कि हमारे पे कौन सी धारा लगाएगी, किस धारा में अरेस्ट करेगी, लाठीचार्ज करेगी, क्या करेगी, ये किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में नहीं हो सकता। सरकार कान खोल के सुन ले, यहाँ सांभर की धरती है, इसने पूरे हिंदुस्तान को नमक खिलाया है, इसको चेतावनी मत दो, इस युवा तरुणाई को मत कहो कि दूध, ये दूध का कर्ज चुका देगी ना तो जिला कोई नहीं, माइकालाल ढाणी में नहीं बना पाएगा, ये मेरी चेतावनी है। ये पृथ्वीराज चौहान जी की धरती है, हम शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं, हम मोखमपुरा भी बात कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण महापड़ाव की बात कर रहे हैं। हमने कभी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं कहा कि आप परिपक्व हो नहीं हो, आप हमारे को गाली दो, हमारे को जो जो कहना है तो कह दो, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम अपरिपक्व हो सकते हैं, परंतु आपकी भाषा हमसे भी बुरी है। हमने माँ का नाम कभी नहीं लिया, अगर हमने माँ का नाम ले लिया, आप सोचो कि आपका नाम, आपकी माँ का नाम हमने ले लिया, आपको कितना दुख होगा। अरे रात भर पूरे सांभर के लोग नहीं सोए कि किसी ने हमारी माँ को चेतावनी दे दी। इस खून को उबाल मत आने दो। मैं सरकार को भी ये कहता हूँ, सरकार के भी कई पुलिस से फोन आ रहे हैं कि आपको पाबंद कर दिया गया है, आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, आपको उठा लिया जाएगा। अरे उठा के मार देना। और इन जनप्रतिनिधियों के भी कहता हूँ कि पूरी सेना लगा लेना, गाड़ी लगा लेना, घोड़े लगा लेना, पुलिस लगा लेना, गोली निकाल देना। पर मैं भी मेरे बच्चों को कह के आया हूँ कि बेटा ना मुआवजा मांगना, ना टिकट मांगना, लाश बस स्टैंड पे सांभर के रखना और एक ही बात करना कि सांभर फुलेरा को जिला बनाओ, तब इस लाश को जलने देना। और आपसे भी यही आह्वान करने आया हूँ, मेरी लाश को अंतिम आग जब ही देना जब सांभर फुलेरा जिला बने। मैं कोई खोटी बातें नहीं करता। 16 अप्रैल 2016 को इसी हाईवे को जाम किया था DD कुमावत ने, और अकेले ने किया था, वो भी न्यूज निकला के देख लेना। इसलिए हमें कोई चैलेंज नहीं करे, हम शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं, पर हमारी माँ को चेतावनी नहीं दे, ये फिर हम आपको हम किया था DD कुमावत ने, और अकेले ने किया था, वो भी न्यूज निकला के देख लेना। इसलिए हमें कोई चैलेंज नहीं करे, हम शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं, पर हमारी माँ को चेतावनी नहीं दे, ये फिर हम आपको हाथ जोड़ के भी कह रहे हैं, और अपने मन से भी ये आग जो है ना सीने में, उसके लिए भी आपको कह रहे हैं कि इन बच्चों को, इन युवाओं को मत जगाओ। आपको जिला बना, हमने कभी नहीं बोला दूदू क्यों जिला बना, हमने कहा सांभर फुलेरा जिला बनना चाहिए, और आज भी हमारी यही बात है कि सांभर फुलेरा जिला बने। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, उनके जनप्रतिनिधि में ताकत थी, उन्होंने बनाया, हमारे जनप्रतिनिधि में ताकत नहीं थी, नहीं बना पाए। अब जनता बनाएगी, जनता के मन में है कि 69 से जो मेहनत कर रहे थे उनका जिला पहले बनना चाहिए, जो आज अपनी राजनीतिक चोटियां सेकने आए उनका जिला बाद में बनना चाहिए। हम ना किसी का विरोध करेंगे, पर अपने हक के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो सांभर की जनता करेगी। और माँ के दूध में सांभर की जनता को भी कहता हूँ, इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती।
माँ के दूध से बड़ी गाली नहीं हो सकती। अगर अब भी आप नहीं जागे तो फिर कोई आपका सुनने वाला नहीं है। आपके बच्चे कहेंगे जब मेरी माँ को गाली दे रहे थे तब पापा आप कहाँ थे, जब मेरी माँ को गाली दे रहे थे तो भैया आप कहाँ थे, आपका खून नहीं खोला। मैं यही बात कहने आया हूँ कि आज माँ की गाली दी है, 18 तारीख को आपको बताना है कि माँ की गाली क्या होती। सर एक बात है, लोकतंत्र और संविधान में कोई भी जनप्रतिनिधि आप जनता को ज्यादा मतलब ये आवाज से धमकी दे सकता है क्या? कौन सी संविधान में है? संविधान कोई माने, संविधान को मानते हैं, संविधान की जानकारी होती तो ऐसी बात थोड़ी होती, चाहे जिला बनती है। क्योंकि जनता को संविधान में हमने कोई पंचायत जिला को बनी, पंचायत जिला बनी, संविधान तो वहीं टूट गया। सही बात है सर। और जेल जाने वाले ये बताएंगे कि संविधान क्या होता है? 8 दिन पहले तो कोतवाल मतलब नगर पालिका घोषित करी, फिर बाद में जिला, ये कोई तरीका हुआ? और कोई आंदोलन करे किसी की माँ को गाली दे दोगे क्या? नहीं, धमकी जनता को क्यों दे रहे हैं? जनता को धमकी जब विपरा विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे जनता के आंदोलन से इन बच्चों ने जो सोशल मीडिया रात को चलाया उसके बाद तो कम से कम आग लगी है और उसका डर है। धन्यवाद सर आपसे। 18 जून को आ रहे हैं हम, और जिसमें जो भी